हाँ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है कि हमारे जो गूगल प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन होती है उनको कैसे अपडेट करें। दोस्तों, जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो एप्लीकेशन होते हैं जो डेली रूटीन की है, इनको अगर अपडेट करना है तो उसको प्ले स्टोर पर कैसे अपडेट करें। आपने किसी न किसी के बंदे से मुंह सुना होगा एप्लीकेशन अपडेट करनी होती है। दोस्तों, ये जैसे अपने मोबाइल अपडेट आता है उसी प्रकार जो एप्लीकेशन है इनका भी अपडेट आता रहता है हर टाइम, लेकिन इस चीज का हमें पता नहीं चलता। आपको प्ले स्टोर पर जाकर देखना पड़ता है कि कौन कौन से एप्लीकेशन का अपडेट आ चुका है। तो मैं आज आपको प्ले स्टोर से अपडेट देखना है बताऊंगा और अपडेट कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, और इसके साथ कुछ और भी जानकारी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे ऑटो अपडेट कर सकते हैं वगैरह। कुछ सेटिंग होती है तो उनको भी आज मैं इनेबल करके बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन पर अपडेट आते क्यों और इनको अपडेट करना क्यों जरूरी है? दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन पर अपडेट आते हैं ये इसलिए आते ताकि उसको एप्लीकेशन में कुछ और नया नया सुधार आ सके। बहुत सारी कोई नई नई चीज ऐड करते रहते हैं उसमें और ऐसे अपडेट आते रहते हैं। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका रहेगा अपने गूगल मैप का। आपने अगर कभी यूज किया होगा गूगल मैप तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए आज मैं जिस जगह बैठा हूँ, इस जगह मान लो अब मेरे आसपास बहुत सारी खाली जगह पड़ी हुई है और जस्ट एक महीने बाद मुझे आसपास बहुत सारे घर वर बन चुके हैं। लेकिन गूगल मैप में जब आज का देखा हमने तो यहाँ पर बहुत सारे आसपास खाली जगह दिखा रहा था, लेकिन एक महीने बाद जब इसको अपडेट आया वगैरह देखा तो जो आसपास जो घर बने हैं वो भी वहाँ पर अपडेट हो चुके हैं, तो गूगल मैप भी वहाँ पर दिखाने लगेगा। तो इसी प्रकार से जैसे गूगल मैप अपडेट करता रहता है हर महीने, वीक में पता नहीं कितने टाइम फिक्स रहता है इनका, कब अपडेट होता रहता है, लेकिन अपडेट आता रहता है इसमें। तो चलिए दोस्तों, ये तो अपडेट आते रहेंगे, लेकिन अब हम देख लेते हैं कि जो अपडेट आते हैं इनको अपडेट कैसे करते हैं। चलिए चलते हैं फटाफट से अपने प्ले स्टोर पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद सबसे पहले ऐसे ओपन लोगो दिख रहा है आपको, इसमें क्लिक कर देना है। अपने जीमेल आईडी का लोगो दिखे आपने वहाँ पर इस पर ओपन कर लेना है। यहाँ पर ओपन करने के बाद नीचे सेकंड नंबर पर मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे एक बार और सेकंड नंबर पर देखेंगे अपडेट अवेलेबल लिखा रहा है, 14 अपडेट पेंडिंग, तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे यहाँ से ओपन होगा यहाँ पर मेरी 14 ऐप जो बाहर बताया था वो सारी 14 ऐप मेरी यहाँ पर बता रहा है एप्लीकेशन पर अपडेट आ चुका है, इनको अपडेट करना बाकी है। ये देख तो मैंने यहाँ पर बताया था गूगल मैप का, देख तो गूगल मैप का भी यहाँ पर अपडेट आ चुका है। यहाँ पर 27 MB का यहाँ पर अपडेट आया है गूगल मैप का। अब इनको जो अपडेट करना है यहाँ पर या तो आप अपडेट ऑल कर सकते हो, यहाँ पर एक एक को अपडेट कर सकते हो। मैं आप मान लीजिए मैं इसे गूगल को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, या गूगल मैप को मैंने ओपन कर लिया है तो यहाँ से मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ आसानी से। लेकिन अब मैं इसको एक तरीका और बताता हूँ ऑटो अपडेट का। तो यहाँ पर जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इनेबल ऑटो अपडेट, तो इस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब से जब भी ये अभी वाला अपडेट तो अपने को करना पड़ेगा, लेकिन आगे से जब भी अपडेट आएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा ये। तो आप ऐसे कोई से भी एप्लीकेशन का ऐसे अपडेट ऑल कर सकते हो, अपडेट ऑटोमेटिक कर सकते हो। अब मुझे इसको एक 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 ना का सबको एक साथ अपडेट करना है, इसके लिए मैं सिंपल से ऊपर लिखा हुआ अपडेट ऑल तो इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ऐसे अपडेट ऑल पर क्लिक करूँगा सारी एप्लीकेशन मेरी अपडेट होना चालू हो जाएगी, तो एक एक करके सारी एप्लीकेशन मेरी अपडेट हो जाएगी ये। हाँ दोस्तों, बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है मुझको आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं चैनल पर यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक और सोशल मीडिया एप्लीकेशन रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा समझाई गई चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।